हाय, वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूँ अमृता और आज मैं द गर्ल ऑन द ट्रेन इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की मुझे हाल ही में काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, जिसपे परिणीति चोपड़ा काम कर रही है। ये ओरिजिनल मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इसे टेड टेलर ने डायरेक्ट किया है। इंग्लिश मूवी एंड हिंदी मूवी, ये दोनों भी द गर्ल ऑन द ट्रेन इस नॉवल पे आधारित है, इसीलिए इस मूवी को कॉपी कहना सही नहीं होगा, राइट? सो मूवी शुरू करने से पहले मैं कैरेक्टर बता दूं कौन कौन है। सो एमिली ब्लंट प्ले कर रही है रेचल का रोल, जो कि मूवी की प्रोटैगनिस्ट है। एमिली का भी डिवोर्स हो चुका है और उसका एक्स हस्बैंड है टॉम। टॉम ने डिवोर्स के बाद दूसरी शादी की है और उसकी दूसरी वाइफ का नाम है एना। इसके अलावा टॉम की जो नेबर है उसका नाम है मेगन और मेगन का पति है स्कॉट। तो ये ऐसे 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स है। मूवी बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड ट्विस्टेड है, इसीलिए आखिरी तक बने रही है। सो मूवी शुरू होती है और हम मूवी के प्रोटैगनिस्ट रेचल वॉटसन को देखते हैं, जो हर रोज अपने घर से लेके ऑफिस तक एक ट्रेन से ट्रैवल करती थी। उसे देख के उसकी कंडीशन काफी खराब लगती थी, मानो उसके लाइफ में कुछ एम ही नहीं है। रेचल का डिवोर्स हुआ है और वो अभी अपने फ्रेंड के घर पे रह रही है और ये जो कम्यूट करती है इसमें उसे अक्सर अपना पुराना घर दिखता था, जहाँ पे वो अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन ऐसे ही जब ट्रेन से वो ट्रैवल कर रही थी, तब उसे अपने एक्स हस्बैंड की जो अभी दूसरी बीवी है एना, वो दिखाई देती है। और एना को रिसेंटली एक बच्चा भी हुआ था। उसके साथ साथ उसे अपने पुराने नेबर्स स्कॉट और मेगन भी दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेगन को रेचल अपना आइडल मानती थी। वो हमेशा मेगन की तरह बनना चाहती थी, क्योंकि मेगन और उसका हस्बैंड बेइंतहा एक दूसरे से प्यार करते थे, हमेशा एक दूसरे में खोए हुए रहते थे। इसीलिए रेचल हमेशा अपनी लाइफ मेगन से रिलेट करती थी और अपनी जो कंडीशन है, यानी उसका डिवोर्स हो गया है और अभी ऐसी ही रह रही है, इस बात से दुखी हो जाती थी। और देखते ही देखते उसे मेगन से एक ऑब्सेशन होने लगता है। वो अक्सर मेगन को स्टॉक करती थी, वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, इन सब पे वो नजर रखती थी, क्योंकि जाने अनजाने में वो एक अट्रैक्शन पैदा हुआ था मेगन के लिए। अब हमें आगे पता चलता है कि जो मेगन है वो दरअसल टॉम एंड एना के यहाँ पे ही काम करती थी एज नैनी, यानी टॉम एंड एना के बच्चे को वो संभाला करती थी। एक दिन वो उनके घर पे आती है और एना को कहती है कि मुझे एक नई नौकरी लग गई है, इसीलिए अभी मैं आपके घर पे काम नहीं कर सकी। लेकिन वो किसी न किसी बात से काफी डिप्रेस रहती थी, इसीलिए वो अपने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कमल से मिलने जाती है। तो यहाँ पे हम दोस्तों रेचल को देखते हैं, जो अभी भी अपनी बीती जिंदगी को भुला नहीं पा रही थी, इसीलिए वो लगातार टॉम को कॉल करती थी, मानो हर रोज वो टॉम से बात करना चाहती थी। तो एक दिन उसकी जो दोस्त रहती है, जिसके घर में वो रह रही थी, वो उसे समझाती है कि अभी टॉम को कॉल करना बंद करो, वो अपने लाइफ में मूव ऑन हो गया है, उसे बच्चा भी हुआ है। और यहाँ पे रेचल अपने अतीत में जाती है और हमें रेचल का बैकग्राउंड पता चलता है कि एग्जैक्टली उसके एंड टॉम के बीच में क्या हुआ था। दरअसल यहाँ पे रेचल अल्कोहलिक होने के कारण वो इनफर्टिलाइज होती है, जिसका मतलब था कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। वो काफी बार IVF ट्रीटमेंट का सहारा भी लेती है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब होती है, जिसके कारण वो डिप्रेस होने लगती है और भी ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करने लगती है। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि अभी वो माँ नहीं बन सकती, और इसी के कारण उसका एंड टॉम का डिवोर्स हुआ था। लेकिन ये ड्रिंकिंग की हैबिट उसके डिवोर्स के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और अभी इतनी हालत खराब हो गई थी कि उसे ब्लैकआउट हो जाता था, यानी बीच में ही उसे चक्कर आ जाते थे और उस समय में क्या हुआ है कुछ भी याद नहीं रहता था। कई बार तो उसका बिहेवियर भी अग्रेसिव हो जाता था। एक दिन ट्रेन में सफर करने के दौरान उसकी नजर मेगन पे पड़ती है, जहां वो किसी और इंसान को ही किस कर रही थी, और अभी वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये अपने पति स्कॉट को धोखा दे रही है। और आगे वो ये सोचती कि जैसे एना ने मेरा घर बर्बाद किया था, वैसे मैं मेगन को उसका घर बर्बाद करने नहीं दूंगी, वो स्कॉट को इसे धोखा नहीं दे सकती। इसीलिए कुछ दिनों के बाद शराब के नशे में जब वो धुत रहती है, तभी ट्रेन से उतरती है और उसके घर जाने के लिए निकलती है। लेकिन उस रात क्या होता है उसे कुछ भी याद नहीं था, और अगले दिन वो अचानक से अपने बेड पे उठती है और उसके शरीर पे चोट के निशान होते हैं, उसके कपड़ों पे खून लगा होता है। उन ब्लैकआउट्स के कारण उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछली रात में उसके साथ क्या हुआ, और वो काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने किसी को मार डाला है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। इसीलिए फिर अपनी जॉब पे चली जाती है और ट्रेन में वो टॉम के बॉस के बीवी मार्था को देखती है और उसे सारी पुरानी यादें वापस ताजा होती है। जहाँ एक दिन टॉम के बॉस ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पे वो टॉम के बॉस और उसकी बीवी से मिली थी, लेकिन
रेचल ने वहाँ पे नशे की हालत में काफी हंगामा किया था, जिसकी वजह से टॉम को नौकरी से निकाल दिया गया था। और ये दूसरा कारण था टॉम और उसके बीच में तनाव बढ़ते गया। ऐसे ही रेचल की पिछली जिंदगी की यादों से हमें पता चलता है कि वो एज अ कैरेक्टर कैसी थी, उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसे पछतावा था कि काश वो शराबी नहीं होती तो उसकी लाइफ अच्छी होती। अब उसे यहाँ पे अचानक से एक डिटेक्टिव रैली को हम देखते हैं और वो इससे पूछताछ के लिए आती है। वो उसे बताती है कि मेगन हिपवेल मिसिंग है और जिस शाम पे वो मिसिंग थी उस वक्त उस एरिया में रेचल को देखा गया था, इसीलिए वो उससे पूछताछ करने के लिए आई है। और उसे पूछती कि तुम फ्राइडे को कहाँ थी, तो वो डिटेक्टिव से ये कहती है, तो उस रात जॉब के बाद मैं अपने एक्स हस्बैंड टॉम से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन रात में मेरा मन बदल गया था इसीलिए मैं वापस घर आ गई थी। लेकिन डिटेक्टिव यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात का खुलासा करते हैं। वो रेचल को कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे जॉब से पिछले एक साल पहले ही निकाल दिया था, तो तुम रोज ट्रेन से ट्रैवल कहाँ करती थी। अब ये जाने के बाद रेचल काफी कंफ्यूज हो जाती है और उस बात का जवाब नहीं देती। यहाँ पे डिटेक्टिव को रेचल के ऊपर शक था, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वो उसे जाने देती है। रेचल जाने से पहले उस डिटेक्टिव को बता के जाती है कि उस दिन उसने मेगन को किसी आदमी को किस करते हुए देखा था। लेकिन डिटेक्टिव रैली उसी को वार्न करती है कि एना ने यानी टॉम के वाइफ ने तुम्हारे खिलाफ कई बार कंप्लेन की है कि तुम बार बार यहाँ पे कॉल करती हो, यहाँ पे आती जाती हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम टॉम और उसके नेबर से दूर रहो। अब दोस्तों यहाँ पे हम फ्लैशबैक में जाते हैं 4 महीने पहले। हम मेगन और उसके साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कमल को देखते हैं। यहाँ पे मेगन अपने और अपने पति के बीच में कैसा रिलेशन है उसके बारे में बता रही होती है और बात करते करते वो काफी इमोशनल हो जाती है। तो हो सकता है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन था और यही बात छुपाने के लिए शायद डॉक्टर कमल ने रेचल को गायब किया होगा। अब यहाँ पे बार बार रेचल को लगने लगता है कि स्कॉट को मेगन के अफेयर के बारे में पता चलना चाहिए, इसीलिए वो मेगन की फ्रेंड बन के उसके घर जाती है और स्कॉट को वो किसिंग वाली बात बताती है। तो स्कॉट मेगन का जो साइकाइट्रिस्ट था उसकी एक फोटो दिखाता है, पूछता है क्या वो इंसान यही था, क्या किस करने वाला इंसान यही था। तो रेचल पहचान जाती है कि हाँ यही है। अब ये बात स्कॉट पुलिस को बता देता है और पुलिस उस डॉक्टर से पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मेरा मेगन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। इनफैक्ट उसका जो पति था स्कॉट वो उसे इमोशनल एंड फिजिकली अब्यूज करता था और इसी के कारण मेगन काफी डिप्रेस थी। अब यहाँ पे डॉक्टर को छोड़ दिया जाता है, इसीलिए शक की सुई अब स्कॉट मेगन के पति के ऊपर जाती है और पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन इन सारी बातों से स्कॉट को रेचल के ऊपर काफी गुस्सा आता है कि उसके कारण अभी वो जेल में जा रहा है, लेकिन रेचल के मन में अभी भी उस डॉक्टर के लिए शक रहता है। तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास चली जाती है पेशेंट बनके उस डॉक्टर को जानने के लिए कि क्या वो अपने पेशेंट के साथ रिलेशन रखता है। लेकिन डॉक्टर कमल जब उससे उसके अतीत के बारे में पूछने लगते हैं तो यहाँ पे रेचल अपनी ही भावनाओं में बह जाती है और अपनी सारी जिंदगी के इशू उसे बताती है। तो दूसरी जगह पे हम एना को देखते हैं, वो डिटेक्टिव रैली के पास जाती है और रेचल की कंप्लेंट करती है कि ये रोज रोज यहाँ पे कॉल करती है और हमें डर लग रहा है कि ये हमारे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएगी, तो उसे प्लीज गिरफ्तार करो। लेकिन रैली उसे कहती है कि कोई सबूत के बिना हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब कुछ दिन तक ये केस ऐसे ही चलता है और आगे पुलिस को मेगन की लाश मिलती है, जिसकी जांच के बाद पता चलता है मेगन प्रेग्नेंट थी। यहाँ पे आना रेचल के ऊपर शक करती है क्योंकि वो अक्सर उस एरिया में दिखा करती थी। तब टॉम उसे कहता है कि वो कातिल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे दूसरी जगह पुलिस स्कॉट को छोड़ देती है और वो गुस्से में सीधा रेचल के घर में घुस जाता है क्योंकि उसी के कारण शक की सुई स्कॉट पे गई थी और उसे ये भी पता चल गया था कि रेचल मेगन की फ्रेंड नहीं थी। और वो रेचल के घर में घुस के उसे अब्यूज करने लगता है, उसे मारने के लिए आता है। रेचल काफी डर जाती है और बाद में वो रैली को कॉल करके बताती है कि शायद यही न्यू सस्पेक्ट है, इसका बिहेवियर बहुत ही अग्रेसिव है, इसी ने मेगन को मारा होगा और अभी मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रैली उसे कहती है कि नहीं, इसने मेगन को नहीं मारा है क्योंकि जब मेगन की मौत हुई तब इसकी सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसके अनुसार ये एक बार में बैठा हुआ था। यहाँ पे हम बैकग्राउंड में एक सीन देखते हैं जब रेचल ने डॉक्टर को मेगन के साथ देखा था। दरअसल यहाँ पे मेगन को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर होने के नाते वो उसे कंसल्ट कर रही थी। वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और डॉक्टर पर उसे सिंपथी दिखा रहा था, इसके अलावा उनका अफेयर नहीं था। इसके बाद हम रेचल को देखते हैं जो कि एक बार में बैठी हुई थी और वहाँ पे उसे ब्लैक सूट वाला एक इंसान दिखाई देता है जो यूजुअली हमेशा रेचल के आसपास होता है। वो उस इंसान से पूछती है कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था, इस पर वो कहता है कि कुछ
लोग उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आदमी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन रेचल ने उसी आदमी को भगा दिया, उसका सच जानने की कोशिश भी नहीं की। और अब ये जान के वो और भी डिप्रेस हो जाती है। दोस्तों, ये आदमी कौन है और बार बार रेचल के आसपास क्यों होता है, ये हमें जल्द ही पता चलेगा। डिप्रेस होने के कारण अब वो डिसाइड करती है कि वो सहेली के घर पे नहीं रहेगी, और ये फैसला करने के बाद वो ट्रेन में चढ़ जाती है, जहाँ पे वो वापस मार्था को देखती है। रेचल काफी शर्मिंदा थी अपने बिहेवियर के लिए, इसीलिए मार्था के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि उसने पार्टी में इतना हंगामा किया था और इसी के कारण टॉम की नौकरी भी चली गई। पर मार्था उसे यहाँ पे बताती है कि दरअसल टॉम की नौकरी तुम्हारे कारण नहीं गई है, क्योंकि उसका ऑफिस के कई सारे लड़कियों के साथ सेक्सुअली रिलेशन था, इसीलिए हरासमेंट के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और दोस्तों, यहाँ पे धीरे धीरे मूवी का प्लॉट आगे आता है, और खुद रेचल ने भी कभी भी पार्टी में हंगामा किया ही नहीं होता। और तभी धीरे धीरे रेचल को सारी चीजें याद आने लगती है। दरअसल यहाँ पे रेचल ऑलरेडी डिप्रेस थी कि उसे बच्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो शराब पीती थी, लेकिन टॉम इसी बात का फायदा उठाता था और उसके ब्लैकआउट के दौरान तब उसके दिमाग में गलत मेमोरीज डालता था कि आज पार्टी में तुमने ये हंगामा किया है, तुम्हारे कारण मेरी जॉब चली गई। जब उसे ब्लैकआउट आते थे तब वो उसे काफी मारता था। अब ब्लैकआउट के कारण रेचल को कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन अक्सर अगले दिन उसे सारी इंजरीज दिखाई देती थी जिसके बारे में वो अनजान थी। उसे पता नहीं था कि टॉम ये सब कुछ कर रहा है। आज मार्था ने उसे सच बताया था, इसीलिए वो सारी चीजें उसे ट्रिगर हुई और सच्चाई पता चली। यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखते हैं एना को उसके घर में एक अलग ही स्ट्रेंज फोन मिलता है, जिसे ओपन करने पे उसे एक वॉइस मैसेज सुनता है और वो सुन के वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो फोन मेगन का था। तो दूसरी जगह रेचल जब पूरे अपने होश में थी तब वापस उस सुरंग में जाती है जहाँ उसने आखिरी बार मेगन को देखा था, और उस शाम में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो सोचने लगती है। तो यहाँ पे उसे याद आता है कि दरअसल मेगन से मिलने वाला इंसान और कोई नहीं, टॉम ही था। मेगन और टॉम का अफेयर चल रहा था और इसी के कारण मेगन प्रेग्नेंट हुई थी, और यही बात वो टॉम को बताती है। लेकिन इस बात से टॉम खुश नहीं होता, वो उसे कहता है कि तुम अबॉर्शन कर लो, लेकिन मेगन मना करती है तो वो उसे मारता है। लेकिन जब उसका ध्यान रेचल के पास जाता है तब वो रेचल को भी मार के मेगन को वहाँ से लेके जाता है, यानी यहाँ पे मेगन का मर्डर करने वाला टॉम था। अब ये बात जब रेचल को पता चलती है तब वो एना को वॉर्न करने के लिए जाती है। यहाँ पे एना को भी पता चल गया था कि टॉम और मेगन का अफेयर था। जब टॉम वहाँ पे आता है तब ये दोनों भी उसे कन्फ्रंट करते हैं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था मेगन के साथ और तुमने ही मारा है उसे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट बन गई थी। रेचल उसे ये भी कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है कि कैसे वो उसे फंसा के फॉल्स मेमोरी उसके दिमाग में इम्प्लांट करता था। देखते देखते टॉम काफी गुस्सा हो जाता है और रेचल को वापस शराब पीने के लिए फोर्स करने लगता है और बॉटल उसके सर पे मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब रेचल को होश आता है तो टॉम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल वहाँ से भागने में सफल होती है, तो टॉम उसका पीछा करते हुए उसे काफी मारता है। तो रेचल के हाथ में एक कॉर्कस्क्रू आता है जो वो टॉम को मारती है। ये देख के एना भी नीचे आती है और रेचल की मदद करती है और टॉम को मार देते हैं ये दोनों भी। अब इस मर्डर के कारण पुलिस इन दोनों को भी पकड़ती है, तो दोनों भी स्टेटमेंट में यही बताते हैं कि टॉम ने ही मेगन को मारा था और उसे कन्फ्रंट करने पे वो दोनों को भी मारने आया था, इसीलिए सेल्फ डिफेंस में ही दोनों ने उसकी जान ली है। इसीलिए इन दोनों के कोई भी केस नहीं बनता और मेगन के मर्डर का केस भी सॉल्व हो जाता है। आखिर में हम रेचल को मेगन के सेमेट्री में जाते हुए देखते हैं और वो उसे कहती है कि हम तीनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमारे पीछे की कहानी के कारण। आखिर में वो वापस ट्रेन से सफर कर रही थी, लेकिन इस बार वो अपोजिट साइड में बैठती है, यानी कि अब वो पुरानी रेचल नहीं थी और वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली मूवी में हुआ क्या। तो दोस्तों, ये कहानी रेचल, टॉम, एना और उनके नेबर मेगन और उसके पति स्कॉट के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पे रेचल का बैकग्राउंड देखें तो उसकी शादी टॉम से हुई थी, लेकिन टॉम कैरेक्टर में सही आदमी नहीं था, उसका कई सारे लोगों के साथ अफेयर था। ये बात रेचल से छुपी हुई थी, इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए डिप्रेशन के कारण वो शराब की शौकीन बनती है। लेकिन टॉम उसी का फायदा लेते हुए अपनी सारी गलतियों का जिम्मेदार उसी को ठहराता है। वो जानबूझ के उसके दिमाग में ऐसी कुछ चीजें भरता है जिसे मेगन को लगता है ये सारी गलतियां उसी ने की है, जैसे कि पार्टी में वो बारबेक्यू वाला सीन, और जॉब से निकाल देने का कारण भी वो रेचल को ही बताता है, जबकि उसके अफेयर के कारण उसे निकाल दिया गया था जॉब से। उसी दौरान टॉम का एना के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और वो रेचल को डिवोर्स देके उससे शादी करता है। एना को बच्चा भी होता है, उनके बच्चे को संभालने के लिए मेगन उनके घर में आज नैनी बन के आती है।
जाती है। तो यहाँ पे मेगन के लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। मेगन को भी एक बच्चा चाहिए था, लेकिन उसका पति इनकार कर देता है इस बात से, और दोनों में काफी इश्यूज थे। मेगन और स्कॉट की जो केमिस्ट्री मूवी में दिखाई गई है वो एक जमाने में थी, लेकिन अभी उनका रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। इसीलिए मेगन कहीं ना कहीं जब नैनी का जॉब कर रही थी तब वो टॉम से प्यार कर बैठती है और उन दोनों का फिजिकल रिलेशन शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे टॉम वापस अपने वाइफ पे चीट करता है। इसी दौरान मेगन को पता चल जाता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। वो काफी खुश हो जाती है और टॉम को बताती है, लेकिन टॉम उसे अबॉर्शन करने के लिए बोलता है, जिसपे वो काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपने डॉक्टर कमल जो उसके साइकाइट्रिस्ट रहते हैं उससे मिलने के लिए जाती है, उनकी एडवाइस लेती है। लेकिन यहाँ पे मेगन ने साइकाइट्रिस्ट को ये नहीं बताया था कि उसका अफेयर चल रहा है। तो जगह बार बार टॉम उसे अबॉर्ट करने के लिए कह रहा था बेबी, लेकिन वो नहीं मानती। इसीलिए वो नौकरी भी छोड़ देती है और उस रात टॉम उसे फाइनली मार देता है। लेकिन उस वक्त में रेचल उस जगह पे थी, यानी वो मर्डर की आई विटनेस थी। ये जानने के बाद वो रेचल को भी मारता है। उसे ऑलरेडी पता होता है कि रेचल को ब्लैकआउट के दौरान कुछ भी याद नहीं रहता, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। अब अगर रेचल की बात करें तो उसे एक साल पहले ही जॉब से निकाल दिया था उसके शराब के लत के कारण, लेकिन वो हमेशा ट्रेन से सफर करती थी ताकि लोगों को लगे कि वो अपने जॉब पे जा रही है। और इसी दौरान वो अपने घर और मेगन के घर को बार बार देखती थी, और इसी तरह मेगन के लिए एक मन में ऑब्सेशन तैयार होता है। अगर उस आदमी की बात करें जो एक ब्लैक सूट में हमेशा उसे दिखाई देता था, तो दरअसल वो एक इमेजिनरी आदमी था। उसके दिमाग ने एक ऐसी इमेज उसके लिए तैयार की थी ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसे सच्चाई दिखाने की वो कोशिश कर रहा था, जिस सच्चाई से रेचल भाग रही थी। सो दोस्तों, ये थी मूवी गर्ल ऑन द ट्रेन। आई होप आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।